हेलो चैंपियंस, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बड़ी अपडेट यहाँ पे आ चुकी है और नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कई वीडियोस हैं चैनल पे। और देखिए, यहाँ पे 2022 में एक साथ दो डिग्री डिप्लोमा कैसे कर सकते हैं, इस पे यूजीसी ने ऑफिशियल नोटिस जो यहाँ पे जो है जारी कर दिया है। गाइडलाइन जो होती है नोटिस की पहले वाली, वो चीज़ यहाँ पे जारी कर दिया है। और इसमें एम जगदीश कुमार जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं और जो आपके सामने ये जो वीडियो चल रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि एम जगदीश कुमार जो हैं ये यूजीसी के नए चेयरमैन हैं। और इन्होंने जो है ऑफिशियली जो है इंटरव्यू में ये चीज़ अनाउंस किया है कि 2022 में एक साथ डिग्री और डिप्लोमा आप कर सकते हैं। और ये क्यों जो है क्यों अप्लाई किया जा रहा है और इससे फ़ायदे क्या होंगे, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और कब से ये लागू होंगे, देखिए नई शिक्षा नीति इसी साल से लागू हो चुकी है और कई यूनिवर्सिटीज़ में जो है ये चीज़ लागू हो चुकी हैं। जो नई जो दो डिग्री डिप्लोमा की अगर हम बात करें, तो देखिए ऑनलाइन, ऑफलाइन, ओपन डिस्टेंस, इस मोड से जो है आप डिग्री कर सकते हो। चाहे वो साथ साथ में ऑनलाइन ऑनलाइन आप कर सकते हो दो डिग्री, या आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हो। ये कई सारी अपडेट्स हैं जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो में आज आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है, और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप इंडिया टुडे का यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ देख सकते हैं, सब में यही चीज़ हेडिंग है कि यूजीसी अलाउज स्टूडेंट्स टू परस्यू टू डिग्रीज साइमल्टेनियसली इन फिजिकल, ऑनलाइन और कॉम्बिनेशन मोड्स। ठीक है, हर जगह आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इंटरव्यू था टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, यहाँ पे जगदीश कुमार ने ये चीज़ ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब किस बेसिस पे ये चीज़ किया जाएगा। आप अगर मान लीजिए कोई डिग्री कोर्स कर रहे हैं और बीच में आप छोड़ के किसी कारणवश आपका छूट जाता है डिग्री कोर्स, तो क्या आप कितने साल के भीतर जो है आप कर सकते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको सारी चीज़ें इन शॉर्ट हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, देखिए क्या हुआ था कि एम जगदीश कुमार ने यूजीसी में लेटेस्ट प्लान था स्टूडेंट्स का, जो कि और टू डिग्री को लेकर, तो इसमें एक इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने ये चीज़ अनाउंस किया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो लेटेस्ट मूव है ऑफर फ्लेक्सीबिलिटी एंड पर्सनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के तहत जो है बच्चों को छूट दिया जाएगा कि वो जो है अपनी रुचि के माध्यम से डिग्री को कोर्सेज को लेकर एक्सपीरियंस ले सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे उन्होंने एक डिसीज़न लिया है कि अब वो यूजी एंड पीजी डिग्रीज और डिप्लोमा की बात करें तो एक साथ कर सकते हैं, जिसमें आप फिजिकल फिजिकल मोड से कर सकते हैं। अब देखिए, फिजिकल फिजिकल मोड का मतलब क्या होता है, फिजिकल फिजिकल मोड का मतलब आप रेगुलरली दो डिग्रीज रेगुलर भी कर सकते हैं, या फिजिकल ऑनलाइन, एक ऑनलाइन मोड एक फिजिकल मोड से कर सकते हैं, और एक ऑनलाइन और एक ऑनलाइन मोड से भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर टू में आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें, स्टूडेंट्स कैन परस्यू टू फुल एकेडमिक प्रोग्राम इन फिजिकल मोड प्रोवाइडेड दैट क्लास टाइमिंग डू नॉट ओवरलैप, जो क्लास की टाइमिंग है वो ओवरलैप नहीं होगी, कुछ इस तरीके से जो करिकुलम है वो फ्रेम किया जाएगा। एग्जांपल में अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स अगर बीए करना चाहता है तो बीए क्लासेस है तो वो मॉर्निंग में ले सकता है, और बीकॉम की क्लासेस जो है इवनिंग में ले सकता है, इस तरीके से इसको फ्रेम किया जाएगा। और जैसा हमने बताया, दो रेगुलर कोर्स हो सकते हैं, मीन्स फिजिकल फिजिकल, एक रेगुलर एक ऑनलाइन हो सकता है, और एक ऑनलाइन या दोनों ऑनलाइन हो सकते हैं। ठीक है, द टू ईयर प्रोग्राम में फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी और फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप सेम यूनिवर्सिटी से भी जो है कर सकते हैं, या अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे अलाउन परस्यू टू प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं, जैसे आप बीए हिस्ट्री लेके चल रहे हो तो आप बीएससी मैथमेटिक्स भी कर सकते हो, या आप बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हो डिप्लोमा साइंस में कर सकते हो, या आप डिप्लोमा के साथ जो है ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको सारी छूट जो है मिलने वाली हैं। ठीक है, विद इन टू वीक्स ऑफिशियली ये नोटिस आ जाएगी, और जो इसकी जो ये गाइडलाइंस की नोटिस है, ये जो है आपको, ये आपको कल जो है वेबसाइट पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, यूजीसी गाइडलाइंस फॉर परसुइंग टू डिग्री अगर बात करें तो एकेडमिक ईयर 2022-23 से जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है कि 2022-23 जो आने वाला नया सेशन है आपका, जैसे कि जुलाई अगस्त में स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ से ये चीज़ें आपको कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि दो डिग्री एबिलिटी की बात इसमें आ जाती है कि परसुइंग टू डिग्रीज डिप्लोमा इज़ नॉट ईजी, इसको जगदीश कुमार के द्वारा ये चीज़ कहा गया। तो ये चीज़ डिपेंड करेगा स्टूडेंट के ऊपर कि वो ये चीज़ ज़बरदस्ती नहीं है कि आप करना चाहें, आपकी एबिलिटी कितनी होती है, हो सकती है।
ठीक है। इसके लिए एक प्रावधान ये भी इन्होंने बताया कि आप अगर दो डिस्टेंस कोर्स कर से दो रेगुलर कोर्स अगर आप करते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है कि मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी दूर दूर है तो आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पाओगे, तो इस वजह से आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक रेगुलर करें एक ऑनलाइन करें, ठीक है। तो जो ये फाउंडेशंस अभी तक थी बच्चे नहीं कर पा रहे थे, हमारे वीडियो पे चैनल पे एक वीडियो है कैसे आप दो डिग्री कर सकते हैं, तो उसमें जो सारे क्वेश्चंस क्वेरीज थे उसमें ये चीज़ हमने आपसे कहा था कि एकेडमिक ईयर में डिफरेंस होना चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ भी बताया जा रहा है कि एकेडमिक ईयर में डिफरेंस होना चाहिए, वो भी न्यूज़ हम आपको दिखाते हैं। और दो डिग्री उसके माध्यम से आप कर सकते हैं, एक डिग्री एक डिप्लोमा जो है वो सेम एकेडमिक ईयर में आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या है कि परसुइंग टू साइमल्टेनियसली डिग्रीज आर अनाउंस ऑन वेडनेसडे को जो है यहाँ पे ये चीज़ अनाउंस हुआ और इसको हायर एजुकेशन को ये चीज़ इन्फॉर्म किया जाए, ये चीज़ अनाउंस किया जा रहा है, ठीक है, कि अडॉप्टिंग न्यू गाइडलाइंस को जो है यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम आप बताएं तो ये जो चीज़ें हैं कैसे संभव हो सकती हैं और आप कितने साल के अंदर फिर से रीज्वाइन करके आप अपने कोर्स को कर सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। देखिए UGC का जो एकेडमिक एक बैंक है ABC बैंक, पिछली वीडियो में ये जो हमने बताया था कि BEd 1 year का होने वाला नई शिक्षा नीति के तहत, तो उसको 3 lakh के आसपास स्टूडेंट देख चुके हैं, तो उसमें हमने ये चीज़ बताया था कि एकेडमिक बैंक एक बनेगा जिसको क्रेडिट बैंक कहा जाएगा। अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होंगे और उसमें परसेंटेज आपके नहीं बनेंगे, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से नहीं होगी चीज़ें, अब वो क्रेडिट बनेगा, ठीक है। तो स्कीम में अब देश की सभी यूनिवर्सिटीज़ को जोड़ा जाएगा, फिलहाल अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ स्टेट प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी ही इस स्कीम से जुड़ी हैं क्रेडिट सिस्टम से। UGC ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और राज्यपालों को पत्र भेजकर इसमें शामिल होने का आग्रह किया। यह स्कीम पिछले साल जुलाई में लॉन्च हुई थी। ABC एक तरह की डिजिटल स्टोर हाउस है जहां छात्रों के एकेडमिक रिकॉर्ड जमा होते हैं, ठीक है। छात्र के क्लासवर्क और ट्यूटोरियल के आधार पर उनके एकेडमिक क्रेडिट यहां जमा होते हैं। रिकॉर्ड 7 साल तक जमा होगा, साथ ही छात्र के पास मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट की सुविधा होगी। तो ये चीज़ जो मल्टीपल एंट्री मतलब बीच में आप छोड़ के दूसरे यूनिवर्सिटी में या दूसरे कोर्स में जा सकते हो, तो ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मल्टीपल एग्जिट कर सकते हैं आप, छात्र को किसी कारण पढ़ाई छोड़नी है तो वह ब्रेक ले सकता है, बाद में अपने क्रेडिट इस्तेमाल करते जैसे हमने बताया 7 साल के अंदर जो है फिर से उस कोर्स को कर सकता है, बाद अगले साल किसी दूसरे कॉलेज में भी पढ़ाई कर सकता है। यह सुविधा तभी मिलेगी जब यूनिवर्सिटी ABC के साथ रजिस्टर्ड होगी, ठीक है। तो जब यूनिवर्सिटी इनके साथ रजिस्टर्ड होगी ABC क्रेडिट सिस्टम के साथ, क्योंकि कई सेंट्रल स्टेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं, अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है कि सेंट्रल प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती क्या है, तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, सारी यूनिवर्सिटीज को अच्छे से डिस्क्राइब करके डिफरेंस बताया गया, ठीक है। तो यहां पे ये चीजें थी कि अब दो डिग्री कोर्स जो है एक साथ आप कर सकते हो एंड दो डिप्लोमा कोर्स एक साथ कर सकते हो, एक डिप्लोमा एक डिग्री आप कर सकते हो, रेगुलर मोड में कर सकते हो दोनों, एक ऑनलाइन एक रेगुलर कर सकते हो, दोनों ऑनलाइन मोड में आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, जैसे कि काफ़ी अच्छा प्रावधान है जो कि UGC ने चीज़ निकाला है, और ऑफिशियल नोटिस की अगर आप बात करते हो तो ऑफिशियल नोटिस जो है आपकी कल तक एक्सपेक्टेड अपलोडेड ऑन द UGC वेबसाइट टुमारो, ठीक है। तो कल तक जो है यहाँ पे आ जाएगा, और जो एप्लीकेशन अप्लाई वाली बात है जो कि हायर एजुकेशन्स को जो डेट भेजी गई है विद इन 2 weeks भी यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो नई सेशन से चालू होने की भी बात यहाँ पे एग्जैक्टली की गई है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल सेशन, और वीडियो आपको कैसी लगी, ये न्यूज़ कैसी लगी आपको, आप कमेंट करके प्लीज़ हमको बताएं, और आप क्या इससे करने जा रहे हो कोर्स, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो ये अच्छी चीज़ है कि नहीं, या इसमें कमियां क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके हमें प्लीज़ बताइएगा, और वीडियो को एक बार लाइक करके और जितने भी आपके फ्रेंड्स सर्कल है फैमिलीज सबको शेयर कर दीजिए कि लेटेस्ट अपडेट उनको पता लग सके, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेरीज होती है तो टेलीग्राम हमारा डायरेक्ट लिंक चैट है, आप हमें पर्सनली चैट करके वहाँ से अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।